अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाद खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं और मुजम्मिल आए हुए हैं कैंट घूमने के लिए। तो आपने बड़ी बड़ी दुनिया की गेमें देखी होंगी लेकिन मच्छर फाइट कभी नहीं देखी होगी। तो अब हमारी होगी मच्छर फाइट। मोटे तैयार है? मच्छर फाइट में ये होगा बोतल, हाँ एक कदम हमारे पास ये बोतल होगी और इसने काली शर्ट पहनी है। जैसे इसके पास आके बैठेगा तो हमें यूं करके मारनी है। जैसे मच्छर होगा ना, जैसे इधर भी हो गया, हमें ऊपर से मारना है यूं करके, यूं यूं बोतल के पास है, यूं 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 यूं। पहले मैं तेरी वाड़ी करना ना, यूं यूं नहीं, पहले पुगन जल पकारा होएगा। पुगन पकारा मोटरसाइकिल पकाने में है यार। आ दे ना कर मोटे यार, तेरी मच्छर साथ पैसे आए दे हेलो ठीक है, पेंडू सिस्टम कोई पेंड होंगे फोन चुकता, जो शहरी होंगे चुकते हैं। हेलो सलाम अलैकुम, पैसे आ गए हैं ना वो आप अकाउंट में आ गए, मैं निकलवा के दे जाऊंगा आपको। तो ये मच्छर फाइट हमारी शुरू होने लगी है। वालेकुम सलाम भाई, फोन करन दे हो लड़ा मच्छर 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 ओ मुंड। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मच्छर फाइट, क्योंकि हम इधर मच्छरों में बैठे हुए, इधर घास में आके बैठे थे। ये देखो मच्छर, ये नज़ारे मच्छर, ये उड़ रहे, तो इसको जीने नहीं दे रहे, इसके साथ जीने नहीं दे रहे। तो मैंने बोतल पकड़ी है, हम एक अदर बोतल के साथ ये मच्छरों को मारेंगे। ये देखो ये मेरे मुँह नहीं मारांगा, नहीं मारदा मच्छर फाइट। ओए वेके अला पासा मार है जी, मामी नु वजन दूसरा हूं मेरी वाड़ी में। चल चल आ दे तेरी वाड़ी। अच्छा मेरी वाड़ी तो मुक लंदे, तेरी की तो मुकनी है, की तो मुकनी है हैं। ये देखो ये तेरा उर नहीं, तेरा मैं करना उर, तेरा उर मैं करना उर। ये तो खराब की तो अल्लाह, ए दे इज्जत ना, चल जा इज्जत ना दे दे इधर आना मच्छर, इधर आंदा मच्छर बैठ दे रही हूँ मैं, कट रहा मच्छर मच्छर टके जाने के मच्छर मच्छर ने डर के नहीं होना, गवा का पाया बोतल भरिया भैड़िया पै दी गड्डी स्टार्ट कर चली यार, तेरी मच्छर फाइट हो गई पूरी। मेरे पुत्रा की चैलेंज लिया दे खोलने का लेकर क्या शर्मा शर्मा आती है। टाइमर लाओ इतने, हाँ ये दो दो सोडा की बोतल है, हमने टाइम से पी, जो जल्दी पिएगा वो जीतेगा। तू जल्दी पीती तू पैसे देगा, मैं जल्दी पीती तो मैं नहीं, तू पी पहले, तू चैलेंज दे मैं पी आऊंगा। पैसे देने पैने ठीक है, सही चल बाद वीडियो बाद तू दे मैं नहीं लेने। चल ठीक है, ला टाइमर लो भाई, टाइमर लग गया है, मुजम्मिल पकड़ने लगा, ठहर जा दे, 1 2 3 गो। ऐ तेरा मुक्का बे, ये मैंने 20 सेकंड लेट रोका है, ठीक है मोटे यार, ऐ तेरा टाइम है, ऐ 7
सत्त सैकेंड ते छपंजा नैनो सैकेंड ठीक है क्यों नहीं पीती जा रही सही ना ही भाई कोई नहीं तेरा चार जा तू सत्तर सैकंड पी गए इतना मोटा हुआ सात सैकंड के अंदर गैस वाली बोतल पी गया मुझसे कभी भी नहीं पी जाती मैंने लेवल करा दिया चस्का लेके पियेंगे हमने दो बोतलें मंगवाई थी सात सेकंड में एक पिए तीन सेकंड में से एक और पिए मेरे भी पी गया मतलब दस सेकंड के अंदर दो बोतलें पी गया मुझसे कहाँ जीता जाना था मैं अब चस्का लेके पीऊंगा आराम आराम से सोडा वाली बोतल है बड़ी मशहूर सियालकोट की इतनी ठंडी और जबरदस्त मैं कह रहा हूँ पूरे सियालकोट में कहीं भी नहीं ऐसी बोतल मिलेगी आपको पूरे पाकिस्तान में बल्कि नहीं मिलेगी सिवाय ये दो दुकानों के सिवा बड़ा सवाल हो गया बैठा की गल कितने आया है अज वे वे गप छट जिन्नी लम्मी गप छेगा पंजाब रुपये तेरे नाम कि बैठे सिंगापुर आया सिंगापुर आया पकौड़े घर है बनते पे की ये थोड़े अज मेन्यू च ये देखें गर्मा गर्म पकौड़े ये आलू वाली टिक्की ये मिर्ची और इधर पकौड़े बन रहे ये सारा समान तैयार हो रहा है एक टिक्की ते एक रोटी हाँ जी क्यों सही तेरे मर चंडा भी मारा है एक चीज़ होती है बंदा कह के मन कह के चले ना कि यार चीज़ खाने तक अगला मन ना मनो बात दिखा तू मैंने बुलाया है क्यों सा जी तू क्यों मैंने बुलाया तू मुशरफ है तू बुलाया है अल्लाह जन नसीब करे मुशरफ और ही बड़ा चंगा दौर से उन्होंने भी चल चलो जाके इलाज कराओ अपना क्यों जी उदो टिक्की किन्ने दी भला दो रुपए की टिक्की खाते होने हाँ रुपये की रोटी आँदी होंगी हाँ भाई रुपये की रोटी ही हाँ जी हाँ तुम कल के बच्चे हो असि पुराने बाबे हाँ असं दो वेखे ने पुराने क्यों तो जब एन दस तू जमें भी शर्म की झोली च तू कल के बच्चे हो तुम हम बड़े शुआरमा खान की जो असं उदो आए जो शुआरमा भी नहीं बने कभी आए नहीं शुआरमे क्यों जी मेरे जो नवा नवा शुआरमा पैक करने लगे कहना भाई मूह हाड़ी जुत्ता मार भाई तो ये रोटी खुआएगा ते पैसे इहदे कोल लई अच्छा यार टाइम हो गया अच्छा दो बज गए ने इत्थे ते घर किथे जाना घर तू किथे फैक्ट्री जाना तुर जांगे फैक्ट्री जाना सिद्धे सुद्धे उठे आना नहीं जल्दी घर भाई हम नान पकौड़े खाने के लिए आए मुझे मोटे ने स्पेशल बुलाया घर से फाल भाई जल्दी आओ नान पकौड़े खा रहे हैं अब मुझे कह रहा पैसे खुद दियो मैं पागल हूँ इसको पैसे देने आ मैं भी भाव किस्तान देने नहीं तो मैं भी किस्तान कर ले मेरे नाल वो ब्रांच दे हां जी सही आज ये भाई तैयब की चटनी है इतनी मज़ेदार स्पाइसी सी बड़ा मजा कराती दिन के टाइम में से पकौड़े हो ऐसी चटनी और ऐसी रोटी ओए बड़ा शाट है देख लो जरा मैं चेक करके दिखाता हूं आपको मसाले एक पकौड़े दे भी तौल कर ले आलू वाली टिक्की भी ला लेता हां ये सारा आलू वाली टिक्की इस पे रखेंगे इसे रहेगा तोड़ेंगे चस्का ही बड़ा तेन घर रोटी नहीं दें नहीं दें मैं रोटी नाश्ता किया तू मैं बुलाया मैं पा रहा धुप के बच्चे तेरे को तू मैं खुआ नहीं तो बुलाया ना चार पी एम और अगर ए एम आ जाए तो
अच्छा शहरी में नहीं आते आप? नहीं बस सुबह के टाइम आते हैं चटनी जलवापुरी बनाने। ठंडा ठंडा सा पानी आ रहा है, इतना ठंडा पानी है, बर्फ जैसा पानी आता है ये। और मैं यहाँ से पाइप लगाऊंगा इसके अंदर, देखो यहाँ पे पहले स्विमिंग पूल लेके आया है, हम उधर पाइप लगाते हैं फिर इसको भरते हैं। इसे कह के हम पाइप लगा देंगे इसको इसके अंदर, ये जा रहा हमारा पानी, ये आ गया भाई देखा आपका स्विमिंग पूल, इसको हम फुल कर लेते हैं। ये वाला स्विमिंग पूल अच्छा है, बड़ा भी है काफी, तीन पोर्शन वाला। स्विमिंग पूल रेडी हो चुका है, अब हम फिर दोबारा नहाएंगे, पहले हम पाइप से नहा रहे थे, इतना ठंडा पानी है और अब हम स्विमिंग पूल में बैठ के नहाएंगे। ये चीज स्विमिंग पूल में नहाने का अपना ही बड़ा बड़ा मजा आता है, सूरज इतनी तेज निकला हुआ है, इतना ठंडा पानी के सूरज की तपिश नहीं है, मिला इतनी इतना मजा आ रहा है नहाने का, ठंडा पानी इंजॉय वाला। ये चीज ये गर्मी ऐसे दूर है। या क्या बात हो गई अजल आपने नहा रहे हे अजलान आपने नहाना है, नहाने करनी है, बड़े पाने लग रहे हो कमीशुरार में तो। हाँ मेरे अब्बू हाँ सही एंजॉय हो रहा है, मस्तियां करो अंदर फुल, ऐसे है ये चीज, कस कस के मारो। डोगी आए, डोगी कह रहा मैं भी नहाऊंगा। ये रहा वे, तुम ही नहाना चाहना है, आया स्विमिंग पूल च करो ऐसे, अच्छा अच्छा सीन आ रहा, चलो उछालो पानी। कस कस के मारो, टम 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 टम, सही तेज तक, देर तक आंखें बंद करके मारते जाओ। बड़ा मजा आ रहा है रब्बू यार, बड़ा मजे का स्विमिंग पूल है आपका तो। देखो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? हैं अब्बा आपने भी नहाना है, नहा लो, कम करो थोड़ा। बारिश आ रही है यहाँ, देखो आपके स्विमिंग पूल में बारिश, मिठू बेटे। अरे कह रहा मिठू दो मिठू, इसको बेचारे को जख्म हो रहा है, इतना जख्म नहीं है जितना मैंने इसको पाइडिन लगा के जख्म बना दी है, ये बेचारे को ना तोती ने मारा है, इसको भी और पहले इसको भी, पहले इसकी शामत आई थी इसको अलहदा किया, फिर मैंने उसको डाल दिया, उसकी भी शामत आ गई, इसको भी निकाल दिया,
और तोती कौन सी ने मारा है? ये जो है ना, ये इसके पापा हैं, ये वाले इसके पापा हैं, इस वाली तोती की, ये बच्चा है इसका, और इसने सेकंड ब्रीड की है इस वाले ने, उसकी बीवी उसके अंदर है उस वाले पिंजरे में, तीन बच्चे माशाल्लाह से और निकले, और बच्चों की खातिर पता नहीं उसने अपने शोर को भी कूटा है, इसको बाहर निकाल दिया, फिर मैंने गैर शोर को डाला, उसको भी मार पड़ी है, इसको भी निकाल दिया, वो उस पिंजरे में किसी को भी जाने नहीं दे रही है कि मेरे बच्चे, पता नहीं क्या होगा, क्यों ये कोई तंग वंग करेंगे, मैं दिखाता हूँ, ये इतनी तेज तोती है, दोनों तोतों को इसने जख्मी किया है, ये देखिए खाना खा रही है, देखो वो गई अंदर। अगर आपके पास इस चीज़ का हल है तो यार मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने फ़िलहाल दोनों तोते बाहर निकाल दिए और तोती बहुत ज़्यादा मार रही है इनको, तो मैंने बचा तो लिया, अल्लाह का शुक्र है बच गए, लेकिन दूसरे को थोड़ा सा ज़ख्म है पर के अंदर, वो पायोडीन वगैरह लगाइए, अल्लाह से दुआ करना आप लोग भी कि जल्द जल्दी ठीक हो जाए। हमारे स्विमिंग पूल की पार्टी हो गई ख़त्म, अब हम इसको खाली कर देते हैं। आपको सर्दी लग रही है? मज़ा आया नहाने का? एक लाइन रह गई यार, बड़ा ठंडा पानी है यार, है ना? इसको बाहर निकालते हैं, तो पानी बड़ा ठंडा है, बर्फ वाला। अल्लाह का शुक्र है हमारे जो सियालकोट का पानी ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। गर्मी तो पड़ती है, सर्दी भी बड़ी कमाल की पड़ती है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे इतना ठंडा पानी आता है कि आप, ये हमारे यहाँ का जो नहर का पानी होता है ना, वो बर्फ़ वाला पानी होता है, वो कश्मीर से पिघल के आता है, उसमें तो आप बिल्कुल भी सोचिए मत कि आप नहाएंगे। और जो ये हमारे घर के मोटर वाला पानी है, ये भी इतना ठंडा है जैसे फ्रिज के नीचे वाले खाने से निकाला हुआ है, और इसके अंदर नहाना आम बंदे की बस की बात नहीं है। ये देखो हमारा बेटा थर थर आ रहा है। चलो खाली करो। हाँ भाई रब्बू, क्या कर रहे हो? और क्या, ये रहा आपकी बात बताए, ये जलान की बात बता रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साइकिल की। रिहाब अजलान सीख गए साइकिल? सीख गए साइकिल? हाँ इसको सिखाओ ना, कहाँ जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम, कहाँ जा रहे हो? चीज लेने। इतना प्यारा लग रहा है, ये परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, और वो देखो सामने चांद निकला हुआ। देखें यहाँ पे हमारे पंजाब वाली साइड पे लोगों ने छतों के ऊपर ऐसे बड़े बड़े पिंजरे बनाए होते हैं, ऐसे कबूतर रखे होते हैं, कितने सारे कबूतर हैं। ये देखें ये सामने, और एक वो सामने, बुर्ज खलीफा से बड़े बड़े तो यहाँ पे पिंजरे हैं लोगों ने बनाए हुए। हाय दोनों भाई कैसे गिर गए? अजलान खड़े हो, सर तो नहीं लगा इसका? सर लगा इसका? ओहे मेरा बेटे को उठाओ जल्दी करो, अजलान को उठाओ जल्दी करो, वो भी पूरी एक्टिंग कर रहा है, उठ रहा नहीं। साइकिल कहाँ गिरी हुई है? ओहो ये तो बहुत जहरीला एक्सीडेंट हुआ है, लेके आओ साइकिल अंदर। अजलान खड़े हो जो शाबाश, चलो खड़े हो जल्दी करो। बड़ा तेज है, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों भाई। उसका रिहाब उठा के लेके आया होगा ना, वो अंदर गिर गया उसे, और वो उठ रहा ही नहीं है, अब उठा। काफ़ी दिनों के बाद मैं छत पे आया हूँ, और आपको भी ज़रा ये सीन दिखाता हूँ, ये देखें कैसे हरे भरे पौधे नज़र आ रहे हैं, दरख्त ये देखें, और इधर इस तरफ का सूरज ग्रूब हो रहा है वो सामने। तो भाई देखो कहाँ चलेगा इतनी दूर। ओए चलो घर आओ शाबाश, चलो अजलान जल्दी आ जाओ घर, शाबाश शाबाश। यहाँ पे असल में सीढ़ी नहीं है ना, यहाँ पे सीढ़ी होती थी हमारी लकड़ी की लगी हुई, आपको याद होगा जो मेरी वीडियो पुरानी देखते हुए आ रहे हैं, मैं इस वाली छत पे खड़ा होकर वीडियो बनाता था, सामने सूरज नज़र आता है ग्रूब होते हुए, बड़ा प्यारा सीन लगता है। तो वो सीढ़ी हमारी गई हुई है, हमारी जो दुकानें बनी ना मेन रोड के ऊपर, उधर कोई काम था तो पापा लेके गए थे वहाँ पे सीढ़ी ना, इलेक्ट्रीशियन का कोई काम था, तो जब से कोई लेके नहीं इधर वापस आया घर पर, तो इंशाल्लाह ताला टाइम निकालते हैं जाते हैं, हडर आमी से दिल ही नहीं करता निकलने का, इतनी गर्मी होती है, तो जाता हूँ उधर से सीढ़ी लेके आता हूँ, सीढ़ी लगाएंगे फिर आपको ऊपर के नज़ारे दिखाएंगे। पीछे खड़ा हुआ था, गिरे ना तो
अच्छा हो कि मैं पकड़ लूं। वाह यार बड़ी अकल है मेरे छोटे बड़े बेटे में, माशाल्लाह से बड़ी अकल वाला बेटा है ये। कह रहा है मैं बाबा इसको सीढ़ियों पे से लेके आया हूँ, इसके मैं पीछे पीछे आया हूँ ताकि इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि ये नीचे गिरे नहीं। हाँ चांद भी निकल रहा है, अर्थ की दुनिया। क्या कह रहे हो तुम्हें, किसे पकड़ रहा है? जी 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 जाने दो, जाने छोड़ो, आओ। क्या कह रहे हो? ये मुझे लेके जा रहे, कह रहा है या जी 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 जी। अच्छा कह रहे नीचे चलो। अच्छा चलो आ जाओ चलो नीचे चलो। क्या कह रहे हो? वो फीडर लेके गया है, मुझे कह रहा था मैं दूध पीऊंगा, स्वर से मुझे नीचे लेकर आया। बातें करनी है विला में। कर लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दफा बारिश आई थी ना जब 100 की। जी जी। तो मेरे इधर चोट लगी थी, गायब ना हो गई हो ये री। गायब हो रहे हैं निशान सारी इधर लगी थी। हाँ हाँ फिर क्या हुआ? तो मैं इतना रोया ना, वो सन्नाटा भी किनके हर गिरा। बोलो ईद पापा है ना जी जी। उनके मैं पहले जाता था, अब तो मैं जाना छोड़ दिया। मैं एक दफा उनके हर गिरा था, पावरा था मैं गोल गोल एकदम गिरा। बड़ी अम्मा हाँ। भी नहीं थी कि ना हूँ और क्या, भागते हो ना तभी तो गिरते हो। लो भाई हमारा ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।